बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अहमद अली गार्डनिंग और मैं हूँ आपका दोस्त अहमद अली। दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है गावा अमरूद का प्लांट। इसको जो है हमने सीड से ग्रो किया था। आज हम इनको इन प्लांट्स को अलग करेंगे, मतलब इन पॉट्स में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इनको मैंने सीड से ग्रो किया था। इनकी एज तकरीबन जो है ना 1.5 महीने के करीब है अभी। दोस्तों, इनको जो है ना शिफ्ट करना बहुत ही आसान है। ये मैंने जो है ना इन पॉट्स में मिट्टी मैंने सोयल भर ली है पहले से ही, गार्डन सोयल। इसमें मैंने इसका वो कंपैरिजन बनाया, इसका भालू मिट्टी और वो काउडंग नर्सरी वाली जो है ना खाद, मतलब 50-50 का कंपटीशन बनाया मैंने इनका ना, मतलब हाफ इसमें भालू मिट्टी डाली है और हाफ वो कंपोस्ट नर्सरी वाले खाद, ठीक है। तो दोस्तों, आप इनको प्लास्टिक पॉट में भी, मतलब प्लास्टिक वाले उसमें भी वो कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये पॉट थे तो इसमें जो है ना मतलब काफ़ी बड़ी जगह होती है और सबसे मेन बात पानी इसमें ना रुकता नहीं है, मतलब ओवर वाटरिंग नहीं होती, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना बारिश का मौसम है तो पानी बहुत ज़्यादा ही लगता रहता है प्लांट्स को, तो इसके अंदर ड्रेन होल से ना निकल जाता है वाटर सारा। दोस्तों, इसको जो है ना अलग करने के लिए पहले मैंने पानी डाल लिया इसमें, ताकि जो है ना इसके रूट्स जो है ना नरम हो जाएं, ताकि इनको अलग करते वक्त जो है ना इनके रूट टूटे नहीं, ठीक है जी। अब इन भी इन पॉट में ना पानी डाल लेंगे। दोस्तों, ये जो है ना मैंने फ्रेश अमरूद से, फ्रेश कावा अमरूद से मैंने ये लगाए थे, मतलब पका हुआ अमरूद था वो। उसके सीड्स मैंने जो है ना इस पॉट में ऐसे फेंक दिए थे, पता नहीं जर्मिनेट होंगे या नहीं, लेकिन जो है ना ये जर्मिनेट हो गए। और माशाल्लाह से दोस्तों देखें कैसे ना मतलब सही जर्मिनेट हुए हैं। और ये जो है ना शायद इसका काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब जो है ना मैं ज़रा लेट हो गया इसको वो करने में, शिफ्ट करने में ना। इनका साइज तकरीबन 3 इंच हो ना, 3 से 4 इंच, फिर जो है ना इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। इनकी हाइट तकरीबन जो है ना 7 से 8 इंच हो चुकी है, इससे भी अबव बल के पॉट के साथ। तो दोस्तों चलें, खैर अब इसको जो है ना शिफ्ट करेंगे इसमें। तो शिफ्ट करने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। इनको ना पहले ये पूरे पॉट मतलब सब इनको निकाल लेंगे, ठीक है जी। ये देखें इनके रूट्स मेरे से काफ़ी जो है ना फैल चुके हैं। और सब बिल्कुल सिंपल है, अब जो है ना एक एक को ना अलग कर लेंगे इनको सबको। ये देखें दोस्तों, ये जो है ना ये इनके रूट 7 होने चाहिए ये सब ने इसके, ये देखिएगा, ठीक है जी। तो ये जो है ना अभी इसको एक एक करके इनमें लगा देंगे। इनको मैं देख लेता हूँ पहले अच्छी तरह से, इसमें जरा ओवर वाटरिंग कर देंगे ताकि जो है ना इनको मजीद पानी डालने की जरूरत ना हो पड़े। दोस्तों, ये एक पाइप है मेरे पास, मैं इसकी जो है ना हेल्प लूंगा इसमें होल के लिए। ये जो है ना तकरीबन मैंने 2 इंच होल किया नीचे, ये नीचे से जो है ना अभी भी मिट्टी सूखी पड़ी हुई है, इसमें वाटरिंग असल में। दोस्तों, इसका ना ये बस ख्याल रहे मिट्टी जो है ना आपकी नीचे तक, मतलब ड्रेनिंग होल से ना पानी एक मरतबा निकल जाए, नीचे तक आपकी मिट्टी जो है ना गीली होनी चाहिए, नीचे से मिट्टी सूखी ना हो, ठीक है जी। ये जो है ना अभी इसमें मैं होल कर लूंगा नीचे तक,
ताकि इसका जो है ना वो पानी भी निकल जाए। और अच्छा दोस्तों, ये जो है ना इस तरीके से इसमें लगा देंगे। देखिए बड़े हो गए हैं काफी, लेकिन जो है ना अभी ये डाउन होंगे हवा से। थोड़ी सी ना मट्टी इसमें मैं और डाल ऐड कर देता हूँ, ताकि जो है ना ये इसको सपोर्ट मिल जाए। हवा चल रही है ना बहुत तेज, उस वजह से भी कुछ ये देखें दोस्तों, ये छोटा सा है ना तो ये सही हो गया है। मतलब मिट्टी जो है ना नीचे से खुशक पड़ी हुई है, इस वजह से ना थोड़ा परेशानी हो रही है पौधे को। दोस्तों मैंने 8 पोर्ट्स में ना वो डाली थी मिट्टी, लेकिन जो है ना प्लांट्स ज्यादा है मेरे पास। चलिए कोई नहीं, और बोर्ड्स हैं मेरे पास, उनमें जो है ना मिट्टी डाल लेंगे। ये पानी ना नीचे तक गया नहीं है, इसलिए फोर्स लग रही है इसकी ना होल के लिए। ये सही होल हुआ है प्रॉपर। ठीक है जी, तो दोस्तों ये जो है ना ये इसका प्रोसेस है, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मतलब जो है ना, और आपको मैं वो वीडियो मेरे पास रखी हुई है, वो भी मैं आपको ना इसके इनके जो सीड्स लगाए थे ना मैंने, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ना आप कोई भी फ्रूट है उनके सीड्स आप घर पर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और जो है ना ये बहुत ही इजी ग्रो हो जाते हैं माशाल्लाह से। इनको जो है ना मैंने शेडेड एरिया में ग्रो किया था, मतलब शेडेड एरिया में रखा था, क्योंकि इनके जो है ना सीड्स काफी हार्ड होते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, और जो है ना बराबर में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।